हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं एमडी कैफ खान एंड आप सभी लोगों का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन पेसिवियंस, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया। आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंड कर चुका है और पूरा देश खुश है। हमारे चांद से ज़्यादा हमारा कहीं ना कहीं देश जगमगा रहा है, हमारा देश खुशियों से भर चुका है, क्योंकि ये हमने जो कारनामा किया है इससे पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। तो इससे हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हम लोग भी भारतीय नागरिक हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी अपडेट्स की। कल मिस्टर गुरशमिंदर ढिल्लन सर का वेबिनार था Q&A सेशन टीम चैंपियन पे, तो वहाँ पे काफ़ी सारी क्वेश्चन के जरिए अपडेट आई हैं। तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया हमारे वहाँ पे 7 डेज़ के फ्री ट्रायल की सबसे पहले बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जाके चेक करेंगे कि अभी 7 डेज़ का फ्री ट्रायल वहाँ पे आ चुका है। एंड वहाँ पे अभी 7 डेज़ का जो फ्री ट्रायल है जो एंड हो रहा है वो 30 को एंड हो रहा है, यानी कि आप सब लोग समझ सकते हैं कि 30 को हमारा जो है ना कहीं हो सकता है कि मिस्टर एस का वेबिनार हो या उससे पहले भी वेबिनार हो जिसमें सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। तो यहाँ पे मिस्टर एस जो है ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, तो हमें उसका कहीं ना कहीं इंतजार है। तो यहाँ पे बात करते हैं हमें गुरशमिंदर ढिल्लन सर की अपडेट के बारे में। तो जो हैशटैग चलाया गया था, तो जावेर जाफरी ने वहाँ पे क्वेश्चन किया कि ये हैशटैग चल रहा है कि स्टैंड फॉर सिंगल आईडी, जो कि मैंने एक लाइव भी किया था कि ये व्हाट इज़ दिस, ये है क्या। तो वहाँ पे स्टैंड फॉर सिंगल आईडी को लेकर के वो जो है ना एक बहुत घटिया से यूट्यूबर जो कि गलत सलत कुछ भी बोल देते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने घटिया शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि मैं किसी भी यूट्यूबर के लिए घटिया शब्द यूज़ नहीं करता हूँ। हालांकि जो भी यूट्यूबर्स आपको अच्छा नहीं लगे या फिर गलत वीडियोस अगर वो आपको लगते हैं कि ये गलत वीडियोस हैं, या फिर किसी भी यूट्यूब वीडियोस को देख करके आप वो अगर ऐसा बोलोगे कि ये चीज़ें वो सही नहीं हैं या चीज़ें ये गलत बोल रहे हैं, तो इसके हिसाब से कहीं ना कहीं आप उनकी वीडियोस मत देखो। क्योंकि वो आप अगर किसी की वीडियो को देख करके स्टैंड फॉर सिंगल आईडी अगर आप वहाँ पर टाइप करने लगते हो, हैशटैग का इस्तेमाल करने लगते हो, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आप हैशटैग इस्तेमाल करो कि हैशटैग ट्रस्ट एस मुफारेसर। आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये इस्तेमाल करो कि हैशटैग ट्रस्ट एस मुफारेसर, तो यकीनन मैं मानूंगा कि अगर आप एक यूट्यूबर की बात मानते हो तो सभी लोग कमेंट्स जरूर करें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मिलियंस ऑफ कस्टमर की, जो कि हमारे गुरशमिंदर ढिल्लन सर ने बोला था कि अभी तो यहाँ पे जो कि लोग बोल रहे हैं कि मेरी जीरो है, मैं सिंगल आईडी है, हमें कैसे यहाँ पे इनकम होगी, तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ कस्टमर आना बाकी है। मिलियंस ऑफ कस्टमर आने की बात की अगर की जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें जूम पे डेली का डेली तकरीबन 2.2 मिलियन वेबिनार होते हैं, 2.2 मिलियन वेबिनार होते हैं, यानी कि कितना बड़ा ट्रैफिक है। डेली का डेली इतना बड़ा ट्रैफिक अभी मौजूद है जूम के पास में, और उसके एवज में अगर हमारा प्रोडक्ट ओ कनेक्ट देखा जाएगा तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो फ्री के वेबिनार हैं उनको छोड़ दो, कहीं ना कहीं हमारा जो फ्री का ही जो ट्रायल वर्जन होगा वो 300 पार्टिसिपेंट का होगा और अनलिमिटेड टाइम का होगा, और वो भी फुल HD क्वालिटी में, यानी कि 4K में वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए हमारा जूम से कितना ज़्यादा वायरल होने, हालांकि हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे जूम को नीचा दिखा रहे हैं या गूगल या फेसबुक को नीचा दिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हम हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है, वो हमारा वायरल होगा और यहाँ पे मिलियंस ऑफ कस्टमर यहाँ पे आने बाकी हैं। अभी तो कंपनी आपके लिए काम करने वाली है, अभी मार्केटिंग होने वाली है, अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं, अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल की बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं, बस हमें उस पर फोकस करना है कहीं ना कहीं। और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना जो कि पैनिक हो रहे हैं कि हम पैकेज को कैसे लेंगे या फिर ये कैसे लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप अरेंज करें, वो चीज़ें देखें, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर मिस्टर गुरशमिंदर ढिल्लन सर ने बोला हुआ है कि अगर आप जब तक कि पैकेज को बाय नहीं करोगे, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को हम बाय नहीं कर सकते उस प्रोडक्ट को हम सेल भी नहीं कर, सेल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने एक दुकान ओपन की है एंड उस दुकान के अंदर आपका प्रोडक्ट ही नहीं है और कस्टमर आते जा रहा है, तो कस्टमर से आपका बेनिफिट क्या होगा, कस्टमर से बेनिफिट आपका नहीं होने वाला, यानी कि सीधी सी बात है कि कंपनी आपके नीचे मार्केटिंग नहीं होगी, यानी कि उसकी अगर बात करें जो यूजर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो कहीं ना कहीं आपको पैकेज बाय करने के बाद किया जाएगा। आप इमेजिन करें कि यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर क्या होने वाला है, कितने सारे यहाँ पे यूजर होने वाले हैं, कितने सारे यहाँ पे एफिलिएटर होने वाले हैं, तो वो सब कहाँ आने वाले हैं, वो सब कहीं ना कहीं फाउंडर्स के नीचे आने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम सब लोग जानते हैं कि ये सब चीज़ें कितने बड़े लेवल की होने वाली हैं और हम सब लोगों को इंतज़ार है कि किस तरीके से ओ कनेक्ट आए एंड देन हम उसकी मार्केटिंग करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि कब तक हमारा ये सब आएगा और हम कब तक एप्पल ले पाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मिस्टर गुरशमिंदर ढिल्लन सर ने रिएक्ट किया कि देखो कब तक की बात अगर की जाए तो हो सकता है कि चीज़ें बहुत जल्दी हमारे सामने पेश की जाएंगी,
और यहाँ पे अगर पेश करने की बात है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया है कि आफ्टर टू विद इन टू वीक्स अगर जो मिस्टर एस ने बोला था तो उसका क्या हुआ। तो मिस्टर एस फॉरेस्टर उसकी प्लानिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें कंपनी के साथ में भी खड़े होना चाहिए, क्योंकि जब हम कॉरपोरेट लेवल पर या फिर कंपनी लेवल पर जब हम काम करते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। तो हो सकता है कि एक या दो दिन के अंदर वो चीज़ें लाइव हों एंड देन हम उसको हम पैकेज को बाय कर सकें। तो वेन एप्पल्स इज कमिंग यानी कि एप्पल्स कब आ रहे हैं हमारे, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया था कि भाई पैसे वैसे कब आएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग टेंशन में हो रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लोग परेशान हो रखे हैं कि एप्पल्स कब आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एप्पल्स की, क्योंकि जब तक चीज़ें ये लाइव नहीं होंगी, हमारा पेड वर्जन लाइव नहीं होगा, हमारा कहीं ना कहीं एप्लीकेशन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों को लेकर के जब लाइव नहीं होगा तो वहाँ पर जब तक कि हमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो हमने एक्चुअल में सोची हैं, यानी कि एप्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ। देन यहाँ पर अगर ओ वेरीफाई करने के बाद में वहाँ पर आपका बैंकिंग डिटेल, आप क्रिप्टो से भी आप पैकेज को बाय कर सकते हो, आप बैंक से भी पैकेज बाय कर सकते हो, बस आप अपने कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी से अपने पैकेज को बाय करूं तो $143 को आप कहीं ना कहीं अरेंज करें। अगर आप थोड़ा लेट करना चाहते हैं तो $143 अपने बैंक में रखें एंड देन जब भी आपको लगे कि मुझे पैकेज बाय करना चाहिए अब, क्योंकि कंपनी अब मार्केटिंग कर रही है या फिर कंपनी लोगों को यूज़र दे रही है, जब आपको ट्रस्ट हो जाए तो देन आप तब बाय करें, जैसे आपकी मर्जी वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वेट फॉर नेक्स्ट वेबिनार। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को क्लियर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिस्टर एस हम लोगों को कहीं ना कहीं क्लियर करने वाले हैं ये वेबिनार में जो हमारा होने वाला है। अब ये वेबिनार कब होगा आई डोंट नो, हम नहीं जानते हैं, लेकिन डेफिनेटली कीप एन आइज ऑन बैक ऑफिस, यानी कि हम सब लोगों को कहीं ना कहीं अपनी आंखों को बनाए रखना है बैक ऑफिस पे और रेगुलर बेसिस पे उसको अपडेट करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं उसको विजिट करें, उसकी वेबसाइट पे OES में जाएं और उसमें देखे जाकर के क्या अपडेट आ रही है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा ही होने वाला है एंड बूम बूम मार्केटिंग के लिए हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर रेडी हैं, जो कि मार्केटिंग होने वाली है। मिस्टर नजाल सर इंडिया में है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतरीन हमारे लिए लाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, देन हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वी आर सो इन इट टू विन इट, बाय बाय।